दर्शकों, साहसी लोगों की कमी नहीं है। और वहीं अगर कहें तो हमारे पड़ोसी मित्र देश के भूटान के भी लोग कम साहसी नहीं हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं किस तरह से हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के वाहन चालक किस तरह से बीच सड़कों के बीचों बीच जयगांव के मुख्य सड़क भूटान गेट के नज़दीक NS रोड में किस तरह से गाड़ी को पार्किंग करके छोड़ दिए हैं। ये अगर भूटान होता, फुलचिलिंग होता, तो आप सोच सकते हैं कि किसी का साहस भी नहीं होता कि इस तरह से गाड़ी को पार्किंग करे। और वहीं भारत में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि बीच सड़कों पे भी पार्किंग कर दो, कोई क्या कर लेगा, ऐसा सोच चला आता है। और यह दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। अगर ऐसा सोच रखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का हो, चाहे भूटान का हो, चाहे किसी भी कोने का हो, अगर इस तरह से गाड़ी सड़कों के बीचों बीच पार्किंग करेगा तो जयगांव पुलिस प्रशासन उसे छोड़ने वाली नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। और आप सभी के समक्ष ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे भूटानी वाहन के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई किया गया है। आप सभी के समक्ष ये दृश्य दिखा रहे हैं। और ये दृश्य दिखाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी हो, चाहे हमारे भारतीय नागरिक हो, चाहे भूटान मित्र देश भूटान के हमारे मित्रगण ही क्यों ना हो, अगर आप वाहन चला रहे हैं, जिस तरह से भूटान में आप नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह से आप जयगांव में भी नियमों का पालन करें, भारत में भी नियमों का पालन करें। भूटान में ट्रैफिक नियमों का इस तरह से पालन करते हैं जैसे कि आप एकदम सच्चा ड्राइवर हो, सच्चा वाहन चालक हो। और वहीं भारत में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि सड़क किसी के बाप का जागीर हो और जहां भी चाहे वहां पार्किंग कर दिया जाए, तो ये नहीं होने वाला। चाहे भारतीय हो, चाहे भूटानी हमारे मित्रगण क्यों ना हो, पुलिस प्रशासन किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। और यह दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा, जयगांव ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस वाहन के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े इस तरह से कांटेदार लॉक लगा के इस तरह से कांटा लगा दिया गया है चक्के में। और इस तरह से यह मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप इस तरह से सड़कों पे पार्किंग करेंगे, लोगों को लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, प्रशासन के लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे, तो आपके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई किया जाएगा। जयगांव ट्रैफिक OC राजीव ओझा जी स्वयं इसे उनके देख रेख में यह कार्रवाई की जा रही है। और यह दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं दर्शकों।